प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक की। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में अधिकारियों के द्वारा अवगत किया गया है कि कृषि में स्वीकृत बजट 201 करोड़ के सापेक्ष 154 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। शेष बजट भी शत प्रतिशत पूर्ण किया जाएगा। उद्यान विभाग का स्वीकृत बजट 369.75 करोड़, इसके सापेक्ष जनवरी माह तक 274.04 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है, शेष शीघ्र किया जाएगा। इसी प्रकार बागवानी मिशन में 60 करोड़ के सापेक्ष 27.50% व्यय किया गया है। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उद्यान विभाग के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में बजट 236.40 करोड़ स्वीकृत, 15.54 करोड़ के सापेक्ष जनवरी माह तक 667.82 करोड़ व्यय हो चुका है। एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर विभाग की समीक्षा बैठक अपने कार्यालय में की, जिसमें हमारे सचिव, अपर सचिव, डीजी और सारे अधिकारी मौजूद थे। और एक चैनल द्वारा ये बताया जा रहा था कि हॉर्टिकल्चर में 200 करोड़ के सापेक्ष सिर्फ 6 करोड़ खर्च हुआ है, जो कि मैंने जानकारी दी सही नहीं है। उसमें सिर्फ 15 करोड़ रुपये रेज हुआ था, उस विषय पे भी चर्चा हुई आंकड़ों के साथ अधिकारियों ने, जिसके बारे में बताया। और दूसरा, मैंने अधिकारियों से पिछली बैठक में कहा था कि हमारे किसानों को एक टेंडर जारी होना चाहिए, जिसमें ये जानकारी हो कि कौन सा बीज कब लगता है, कब उपलब्ध होगा। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि समय पर बीज व खाद न मिलने के कारण किसान को बहुत नुकसान होता है। तो शीघ्र ही उन्हें कैलेंडर बना दिया है, कैलेंडर को हम जारी करेंगे, उसके अनुरूप किसानों को खाद व पौध आदि बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। और दूसरा, जो हमारे गार्डन हैं, हमने उनको हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्टर समिट में लोगों से आह्वान किया है कि आप डेस्टिनेशन मैरिज के लिए उत्तराखंड आएँ, और इसमें हमारी बहुत संभावनाएं हैं। चुनाव में हमारे गार्डन हैं, उनमें से दो गार्डनों को एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में हम पैरकुजल के रूप में लेकर आएंगे। साथ ही हमने ये भी कहा है कि जितने भी हमारी प्रदेश सरकार की व भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, उसके लिए जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी हैं वो नए पंचायत ग्राम पंचायत तक जाएँ, इसके लिए निर्देशित किया है। और हमारा संकल्प है कि 2025 में, जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम एप्पल के क्षेत्र में, मिलट्स के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम बढ़ाएंगे। संकल्प हमने लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मिनिस्ट्रेशन में 73 करोड़ की व्यवस्था है। मिलट्स के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो श्री अन्न है उसका सही दाम किसान को मिले, इसके लिए समूह के माध्यम से हम बाजरे का क्रय कर रहे हैं, और उसके लिए 150 रुपये लो इंसेंटिव हम समूह की बहनों को दे रहे हैं। उसके हमारे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल रहा है, और दूसरा जो लखपति देवी बनाने का हमारा संकल्प है वो भी पूरा हो रहा है।